क्या नाम है बच्चे का? देवांश सराफ। देवांश सराफ, कहाँ से आपका आना हुआ एटीएस में? हम लोग भोपाल से आए हैं। भोपाल से, किसने बताया था यहाँ का? मेरी फ्रेंड ने बताया था। क्या यहाँ का जी एटीएस? अच्छा, सेंटर के बारे में, एटीएस ऊर्जा क्रिया केंद्र के बारे में आपको आपकी फ्रेंड ने बताया था। तब कितने महीने पहले यहाँ आए थे आप? हम लोग अगस्त में आए थे, पिछले साल अगस्त में आए थे। क्या बीमारी है बच्चे को? ग्रोथ डिले चल रहा है इनका। क्या होता है? ग्रोथ डिलेड है, धीरे बढ़ता है। क्या बीमारी का नाम क्या बताते हैं? डॉक्टर को दिखाया कहीं? डॉक्टर को बताया है, एलोपैथी में भी बताया, होम्योपैथिक में भी, आयुर्वेदिक में भी। क्या बताया उन्होंने? कोई भी कुछ नहीं बोल पाता। अच्छा, बस ग्रोथ डिले है। होता क्या है इसके, इसमें बीमारी में? ये बढ़ नहीं रही है, 4 साल के हो गए हैं। अच्छा, पर अभी तक ये बढ़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, 4 साल के हो गए जी। 1.5 साल का लगते हैं, एक्टिविटी भी बच्चों जैसी 1.5 साल की तरह है। अच्छा, बैठ नहीं पाते? बैठ नहीं पाते, हुए थे पैदा होते ही ये हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। पैदा होते से बीमारी है जी। तो आपने कहाँ दिखाया था इनको पहली बार? शुरू में तो भोपाल में ही हॉस्पिटल में एडमिट रहे 1.5 महीने। फिर उसके बाद में हमको होम्योपैथिक डॉक्टर के पता चला पुणे में, तो वहाँ गए दिखाया। अच्छा, फिर जबलपुर में आयुर्वेदिक का दिखाया। अच्छा, तो और दिल्ली में भी हम लोगों ने दिखाया इनको। 4 साल की उम्र में सारे एक्सपेरिमेंट कर लिया आपने उसके बॉडी पे? एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। क्या बताया डॉक्टर ने फिर, क्या कुछ फायदा हुआ दिखाने से? जेनेटिक बोलते हैं, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होगा। अच्छा, हाँ, इलाज क्या बताया? कुछ फायदा नहीं, कोई पर्टिकुलर नहीं, फिजियोथेरेपी बस। अच्छा, कुछ फायदा हुआ उससे? ऐसा कुछ फायदा हम लोगों को इतना नहीं। अच्छा, जब एटीएस आप आए थे कितना समय हुआ आपको? हम लोगों को अगस्त में आए थे पिछले साल, 6-8 महीने हुए हैं। 8 महीने हुए जी, है ना। तो आपको यहाँ साहिब ने इसकी कोई रिपोर्ट या जांच आपको मांगी या कुछ? कुछ नहीं देखा। उन्होंने इसका, इसकी बीमारी के बारे में जो चीजें बताई आपको जी, तो वो आपके समझ में आई? बिल्कुल। क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने बच्चे को देख के छू के सब बता दिया। अच्छा, सब बता दिया, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, कुछ आपको फॉर्म का पैसा या पर्ची का पैसा यहाँ आने के लिए लगा? सब निःशुल्क में। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी क्या हाल है बच्चे? जो बातें साहिब ने बताई हैं वो सुन के हम सब हैरान रह गए। अच्छा, कोई डॉक्टर नहीं बता पाया। अच्छा, मगर साहब ने बच्चे को हाथ लगाया, छुआ पैर में जी, छू के सब बता दिया। जी जी जी, ये एक विशिष्ट जीव क्रिया का हिस्सा है और साहिब एक विशिष्ट ऊर्जा है जो जीव और प्रकृति रहस्य के बारे में जानते हैं, है ना। तो साहिब ने जो इसको 8 महीने पहले आपने दिखाया था और उसके बाद में अब आज यहाँ पे आप इसकी थेरेपी के लिए लेके आए हैं, तो इसमें आपको कुछ इम्प्रूवमेंट मालूम पड़ा या क्या चेंज दिखा आपको? हमें ही नहीं, हमारे आसपास के लोग भी बोलते हैं कि अब इसमें बहुत फर्क है। अच्छा, पहले बिल्कुल ये नाजुक सा और हम लोग ऐसे गोदी में लेके आए थे। अच्छा, और अब जो है वो कम से कम इतने बड़े दिख रहे हैं और अच्छा, बैठ रहे हैं खुद, इनको बिठा के छोड़ देते हैं हम लोग, वो बैठा रहता है जी। और सबसे बड़ी बात है कि अब ये समझने लगा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम जो बोलते हैं, जो कमांड देते हैं, वो समझता है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले मतलब काफी इम्प्रूवमेंट है। पहले चुपचाप लेटा रहता था, चलिए अब बुलाता है। अभी इसका कोई डॉक्टरी ट्रीटमेंट चालू है या बंद कर दिया आपने? साहिब का इलाज चल रहा है, साहिब की रस सामग्री जो कुदरत देते हैं वो चालू है। चलिए, धन्यवाद आपका। आप इस रस सामग्री को, विश्वास है कि साहिब हमारे बच्चे का बिल्कुल ठीक कर देंगे और जल्दी ठीक करेंगे जी। अगली बार बच्चा दौड़ता हुआ आएगा साहिब के पास। जय 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 कर लो बेटा, चलिए धन्यवाद आपका। साहिब का बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर, सभी का धन्यवाद। ओके, थैंक यू।